राजस्थान बीजेपी के अध्यक्ष सीपी जोशी ने एक बार फिर अपने पद से इस्तीफे की पेशकश की है। सीपी जोशी फिलहाल दिल्ली में हैं। सीपी जोशी ने विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद और लोकसभा चुनाव से पहले भी इस्तीफे की पेशकश की थी। इसी चलते हमारी सहयोगी हर्षा कुमारी सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं। हर्षा जी, सवाल अब बीजेपी के लोग भी पूछना शुरू कर देंगे, ऐसी क्या जल्दी है सीपी जोशी जी को अपना पद छोड़ने की, बार बार इस्तीफा लेकर तैयार रहते हैं? देखिए, इसके पीछे जो एक राजनीतिक रणनीति साफ दिखाई दे रही है, जब विधानसभा का चुनाव हुआ था तब भी चुनाव को खत्म करने के बाद में सीपी जोशी ने कहा था कि अब आप किसी और को मौका दीजिए, क्योंकि आप जानते हैं कि राजनीति पूरी तरह से जातिगत आधार पर टिकी रहती है और राजस्थान में जो मुख्यमंत्री है भजन लाल और जो सीपी जोशी है दोनों ब्राह्मण चेहरा है, तो कहीं ना कहीं जरूरत भी है कि कोई और वर्ग को भी साधा जाए। आप जानते हैं कि दिया कुमारी जो है राजपूत वर्ग से है और जो हमारे दूसरे उप मुख्यमंत्री हैं बैरवा जी वो एससी से है। किरोड़ीलाल मीना पहले ही रिजाइन दे चुके हैं, तो जो ट्राइबल राजनीति है वो भी एक तरह से उबाल पे है। तो जो जातिगत राजनीति पे काफी कुछ टिका रहता है, राजस्थान में अब उपचुनाव भी होने हैं क्योंकि 5 ऐसे एमएलएज हैं जो एमपी बन गए हैं और ये बहुत चुनौतीपूर्वक चुनाव रहेंगे बीजेपी के लिए, क्योंकि एक तो नागौर में जो पूरा जाट बेल्ट एक तरह से भाजपा के खिलाफ गया था, फिर अगर आप बांसवाड़ा में देखें तो वो वाला जो चुनाव है वहां पर भारतीय आदिवासी पार्टी मोर्चा ले गया था और दोनों कांग्रेस और बीजेपी को कुछ हाथ नहीं लगा। तो इस तरह से दौसा में भी आपने देखा कि किरोड़ीलाल मीना ने कहा था कि वहां पर मैं बीजेपी को जीत दिलवाऊंगा, नहीं दिलवा पाए। फिर हरीश मीना जो सवाईमाधोपुर टोंक वाली सीट है उसको कांग्रेस ने जीत लिया है। तो ये जो उपचुनाव है ये बहुत ज्यादा जातिगत राजनीति पे टिका हुआ है और कहीं ना कहीं अगर बीजेपी सीपी जोशी का अभी तो उन्होंने पेशकश की है, अगर उनका इस्तीफा एक्सेप्ट होता है तो बहुत क्लियर है कि वो कोई ओबीसी चेहरा को लेकर आएंगे और ये उपचुनाव के मद्देनजर किया जाएगा। वैसे सीपी जोशी अभी से उपचुनाव के लिए काफी एक्टिव दिख रहे हैं, दौसा गए हैं, झुंझुनू गए हैं, नागौर गए हैं, जगह जगह दौरा कर रहे हैं, पार्लियामेंट भी अटेंड कर रहे हैं, लेकिन अगर उनका इस्तीफा एक्सेप्ट किया गया तो बीजेपी एक ओबीसी चेहरे को सामने लेके आएगी। सीपी जोशी ने बहुत इंपॉर्टेंट किरदार निभाया जब वसुंधरा फैक्शन और सतीश पुनिया का फैक्शन विधानसभा के पहले जब बीजेपी में जो खींचतान हो रही थी तो तब बीजेपी सीपी जोशी को लेकर आए थे। सरल स्वभाव, एकदम सॉफ्ट स्पोकन है और सबको साथ लेके वो चलने वाले व्यक्ति हैं। उन्होंने कहीं ना कहीं एक बड़ी भूमिका निभाई भाजपा को यहाँ पर जिताने की विधानसभा के लिए, और अब लगता है कि टाइम आ गया है कि किसी और को वो जगह दे। बहुत बहुत शुक्रिया हर्षा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।